हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में हमने पहला पार्ट तो कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारी रिवीजन चल रही है सेकंड पार्ट की। तो हमारा दूसरा पार्ट है मेरी माँ। अभी देखो, माँ के बारे में हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया है, हम बहुत कुछ जानते भी हैं। माँ घर का सारा काम करती है, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, सबसे एक जैसा व्यवहार करती है और सबको बहुत ही प्यार करती है। माँ जो होती है, ये हमारी माँ जो होती है, वो क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए खाना नाश्ता, अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसके लिए टिफिन बनाना, घर का सारा काम करना, ये सब तो माँ ही करती है, ये तो आपको पता ही है। तो अभी हमने इस पर कविता का एक अंक देखा था, तो एक बार रिवीजन करें उस कविता की। तो देखो, सबसे पहले जगती है वह, बाद में सबके सोती है वह, पूजा कर भगवान जी की फिर रसोई में आती है, बाद में उसके उगता सूरज फिर सारा घर जगता है, धीमी आती प्यार जताती फिर दीदी उठ जाती है, जब मेरी बारी आती तो झूठ मूठ डांट लगाती है, दादा दादी के चरण स्पर्श कर पापा को भी जगाती है। देखो बच्चों, यहाँ तक हमने कविता पढ़ ली थी, अभी मैंने एक बार फिर से आपको पढ़ के सुनाई है। इसके आगे का हम अंग देखते हैं। तो देखो, अब तक हमने जो देखा है उसमें हमने देखा कि माँ सबसे पहले जगती है और सबके बाद सोती है, घर का वो सारा काम करती है, मतलब पूजा भी करती है, रसोई में खाना भी बनाती है, दीदी को प्यार से जगाती है, कभी कभी आपकी बारी आती तो झूठ मूठ का डांट लगा के भी आपको जगाती है, दादा दादी के चरण स्पर्श करती है, मतलब पैर पड़ती है। इसके आगे देखो, आगे खूब खिलाती प्यार जताती, खूब खिलाती मतलब प्यार से वो बहुत अच्छे से खाना खिलाती है सबको और प्यार जताती है, सारा काम खुद ही कर जाती है। देखो, माँ क्या करती है, घर का सारा काम खुद ही करती है, दिया जलाती हमें पढ़ाती। देखो, हमारा होमवर्क होता है, हमारे स्कूल का जो भी काम होता है वो सब कौन करता है, माँ ही करवाती, हमें उसमें हेल्प माँ ही करती है, हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी भी माँ पर ही होती है, वो भगवान के पास दिया भी जलाती है मंदिर में, सूरज जब ढल जाता है, और दिया कब जलाती है, वो सूरज जब ढल जाता है, ढल जाता है मतलब शाम हो जाती है, सूरज जब चला जाता है तब, है ना इससे प्यारा कोई। और सच बात है, माँ से प्यारा कोई नहीं होता है दुनिया में, न्यारा कोई, मिल जाए इन्हें खुशियाँ सारी, मेरी माँ प्यारी प्यारी। तो देखो, हमारी दिल से ये दुआ रहती है कि हमारी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाए, और माँ की भी यही इच्छा होती है कि उनके बच्चों को क्या दुनिया का सारा सुख मिल जाए, और हमारी माँ जो है वो क्या है, प्यारी प्यारी है। तो देखो, यहाँ तक माँ के बारे में हमारे पार्ट में लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाती हूँ। देखो, खूब खिलाती प्यार जताती, सारा काम खुद ही कर जाती, दिया जलाती हमें पढ़ाती, सूरज जब ढल जाता है ना इससे प्यारा कोई, दुनिया में न्यारा कोई,
मिल जाए इन्हीं खुशियाँ सारी मेरी माँ प्यारी प्यारी। तो देखो यहाँ पे माँ के बारे में सबसे अच्छा प्यार जताने का तरीका बताया है, और माँ हमें बहुत प्यारी प्यारी लगती है। तो आपको समझ में आया बच्चों? अब तक जो भी हमने कविता पढ़ी है वो आप फिर से एक बार घर पे पढ़ो और इसके ऊपर दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने की कोशिश करो। ओके बच्चों, धन्यवाद।